नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के केराना में अप्रशिक्षित डॉक्टर की लापरवाही से फिर दो नवजात बच्चों की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल मामला केराना नगर के मोहल्ला आर्यपुरी स्थित देवी मंदिर बिजली घर के निकट का है, जहां देव क्लिनिक में रविवार की सुबह दो नवजात बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। बताया गया कि गांव बसेड़ा निवासी नाजिम की पत्नी और मोहल्ला आर्यपुरी निवासी ताहिर की पत्नी ने एक दिन पूर्व नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अलग अलग समय में एक एक बेटे को जन्म दिया था। दोनों बच्चों को पेट से गंदा पानी निकलवाने के लिए परिजन उन्हें क्लिनिक पर डॉक्टर के पास ले गए थे। रविवार को झोला छाप चिकित्सक के क्लिनिक पर डॉक्टर की लापरवाही से दो बच्चों की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की, वहीं पुलिस मौके पर पहुंच गई। देव क्लिनिक पर भर्ती कराए गए बच्चों की मौत पर परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें बच्चों को 24 घंटे के लिए भर्ती करने की बात कही थी। धीरे धीरे दोनों बच्चों की हालत बिगड़ती चली गई। परिजनों ने डॉक्टर से बच्चों को रेफर करने को कहा तो डॉक्टर ने रेफर नहीं किया, जहां रविवार की सुबह डॉक्टर की लापरवाही से दोनों बच्चों की मौत हो गई। डॉक्टर द्वारा दोनों बच्चों को क्लिनिक में भर्ती किया गया, जिन्हें मशीन में रखा हुआ था। दोनों मासूम बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझा कर शांत किया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को भी हिरासत में ले लिया है और क्लिनिक पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं क्लिनिक पर रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई बोर्ड भी लगा नजर नहीं आया। फिलहाल पुलिस ने मामले की सूचना सीएमओ को दी। वहीं परिजनों का आरोप है कि सीएससी पर तैनात महिला डॉक्टर ने झोलाछाप चिकित्सक को सीएससी पर बुलाकर बच्चों को भर्ती करने को कहा था। परिजनों ने महिला डॉक्टर व आशाओं पर झोलाछाप चिकित्सक से कमीशन लेने का भी आरोप लगाया है। भर्ती करा था यहाँ पे? जी, भर्ती करा था। हमने कहा मगर डॉक्टर साहब, जो अगर सारे बस का हो तो कर लियो, अन्नी तो मका मैं बता दम कहीं और ले जाएगा। नहीं, पूरी पूरी गारंटी मेरी। और हंस रहा था वो, रो रहा था खूब, रात भी रोया, कल भी रोया, दिन में भी। डॉक्टर का क्या नाम है? नीतू। नीतू। अच्छा, तो अब बच्चे की मौत होगी जी, क्या चाहते हैं आप? लापरवाही में हो इसकी, इंसाफ चाहे, कार्रवाई चाहते हैं आप? कब भर्ती करा था आपने? आप मुझे करा दिए थे 4 बजे भर्ती। तो और कहीं नहीं ले गए इससे अलावा आप? नहीं, मेरी शामली रेफर हो गए थे बच्चे का सरकारी अस्पताल से। सरकारी अस्पताल से फिर डॉक्टर ने इसमें फोन कराई, जा रही मेरे लगा मोटरसाइकिल लेके, लो भैया अम्मा ठीक हो जाएगा, यहाँ भर्ती कर दें। चलिए भाई चल, मैं 48 घंटा रखेंगे, मैं भाई ठीक है 48 रह गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चा ठीक होना चाहिए, कल ठीक हो जाएगा। फिर हट गया, कहा था मैं तो 72 घंटा रखे, कल 72 के 73 रह गए। फिर मैं कुछ पैसा जमा करके भी गई। कितने पैसे लिए आपसे? 2000 खून जांच का 1000 ये मुझे करके और जा लिया। फिर हटके सराय था 12 बजे। जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ था बच्चे का? कब हुआ था? कल 3 बजे हुआ था। अच्छा, तो अस्पताल में पहुंच गया था ये डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर ने बुलाए थे, महिला डॉक्टर ने बुलाया ये? हाँ। जो अस्पताल में नहीं, पता नहीं मुझे कौन सी ने बुलाया, मुझे कोई पता नहीं। डॉक्टर ने कहा था डॉक्टर है, इनने बच्चा भर्ती करते पानी कड़वाया। उसी डॉक्टर ने कहा जो अस्पताल में थी आपसे कि ये अस्पताल है, पानी निकाल लेंगे? हाँ, पानी निकाल लेंगे। सुबह 10 बजे कहाँ पे हुआ था? अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। हाँ। अच्छा, फिर यहाँ क्यों लाए आप? यहाँ इसके पानी कढ़वान लाए थे। किसने किसने भेजा था यहाँ पे? हाँ, पानी कढ़वान लाए थे बेटे इसका। हम इसने डॉक्टर ने कहा, कहने लगा थारा बच्चा जो है अब मैं एडमिट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वैसा है नॉर्मल था, मगर कोई बात नहीं। डॉक्टर सरकारी अस्पताल में खुद गया था, आप यहाँ लाए थे? नहीं, हम लाए थे जी। अच्छा, और लाने के बाद में इनने कहा 72 घंटे में इसको उसमें रखूँगा पानी कटवा के, कोई बात नहीं। हमने कहा 72 के 75 घंटे रख, ऑक्सीजन लगा के, ऑक्सीजन लगा के। मगर देखो बच्चे की मोहब्बत आ गई, अब हो गए लड़का हाँ। अच्छा जी, इसने कहा क्या नाम, फिर जो है मेरी घरवाली आई, मेरी बहन आई, मेरा भिणो आया, मेरी लड़की आई, मेरा लड़का बड़ा लड़का आया। रात भी मैं इसके दौरे से 11:30 से 12:30 बजे गया, और जाने के बाद में फिर इसने कहा, इसने नुकर के हिला बच्चे को, बच्चा रोया, सारे काम करे इनने, हाथ पैर सारे हिलाए। एसी चल रही इसमें और पंखे चल रहे इसमें, छोटा सा बच्चा है एसी में आके, और बड़े बड़े आदमी है पंखा ही चला ले, आदमी पंखे में ही आदमी नुकू नुकर के हो जाए एसी की है, अपना सुकट गैर मर गया, अपना पड़ा बस हो रहा कंप्यूटर वेरियो भी। लापरवाही से तो क्या चाहते हैं तेरी देखिए, इसको जेल करो अम्मा भाई, रुकना नहीं, चाहे दुनिया की ताकत कोई रोक ले, और नहीं कोई कर रहा और कहीं जम्मा। तो आपने रेफर के भी जाऊंगा मैं, रेफर के लिए कहा, रेफर नहीं किया इसने? हमने इसको कहा मगा भाई तेरे बस का अगर कुछ नहीं है तो बेटा हमें भी बता दे, पैसों का लालच ना करिए, बजाय हमारे से तू जो तेरा मुनासिब वो ले ले। कहने लगा नहीं जी, तुम्हारा बच्चा सही है। क्या नाम है डॉक्टर का? क्या नाम है?
नीटू है जिसका नाम डॉक्टर का, नीटू डॉक्टर है जहाँ कहा कंडल लगा। हमने कहा मगा भाई अगर तेरे बस का नहीं है हम और कहीं ले जा रहे हैं, मलिक के ले जा रहे हैं। कहने लगा बच्चा तेरा बिल्कुल सही है, जब नू करके दिखा दिया सारे काम होगा तो फिर क्या होगा इसका इंतजाम। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।